डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ हेल्पर। सी वन क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज आर गिवन। दिस इज गिवन सम ऑफ जीरोज, दिस इज गिवन एज प्रोडक्ट ऑफ जीरो। वैसे तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला भी है, बट आई एम टेलिंग यू सिंपलर मैथड जो थोड़ा लॉन्ग तो है लेकिन आप कभी भूलोगे नहीं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, ये तो आपको पता है, इक्वल टू ज़ीरो। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है माइनस बी ओवर ए। इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 1/4। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है आप सबको पता ही होगा, नहीं पता तो लर्न कर लो। ये होता है सी बाय ए, इसकी वैल्यू दी हुई है आपको -1। अब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, माइनस बी की 1 आएगी तो b की -1 आ जाएगी और a की 4 आ जाएगी इस इक्वेशन से। वैसे तो ये साथ में k भी आना चाहिए कांस्टेंट, लेकिन सीधा भी ले सकते हो कि बाद में ज़ीरो के साथ वो k जाके ज़ीरो ही बन जाता है, इसलिए ऐसे ले लो सीधा आप कि जो ऊपर आ रहा है वो b की ले लो, जो नीचे आ रहा है वो a की ले लो। माइनस बी 1 है तो बी माइनस 1 आ गया, ए की 4 आ गई। अब इधर सी की निकालनी है, सी ओवर ए माइनस 1 है तो सी ओवर ए की 4 रख दी, माइनस 1 है तो सी की कितनी आ गई? -1। तो बी की -1 आ गई, ए की 4 आ गई और सी की -1 आ गई। सी की -4 आएगी, -1 × 4 -4। अब बहुत इजी है, यू हैव टू पुट इन दिस इक्वेशन जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए की जगह 4 रख दिया, 4x² आ गया। बी की जगह -1 लिख लिया, -1 × x आ गया। सी की जगह -4 लिख दिया, तो आंसर आपका क्या आ गया? 4x² - x - 4 = 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थैंक यू।